हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्तुति जैन और चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपका करंट अफेयर का सोर्स क्या है या आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ते हैं, तो आज मैं ये वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको करंट अफेयर के कुछ सोर्सेस बताने वाली हूँ। आप ट्राई कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है वो हमें ध्यान में रखनी है करेंट अफेयर पढ़ते टाइम, कि हमें डेली का करेंट अफेयर नहीं पढ़ना है, हमें वीकली या मंथली कंपाइलेशन पढ़ना है। उससे क्या होगा ना कि हमें ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और हम आराम से उसको रिवाइज कर पाएंगे, याद ज़्यादा टाइम तक रख पाएंगे। तो जो पहला सबसे पहले जब मैंने करेंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया था, तब मैंने सबसे पहले अड्डा 24/7 है उसके करेंट अफेयर डेली करेंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया था और नोट्स बनाती थी मैं। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वो नोट्स मैंने रिवाइज नहीं किए ज़्यादा कभी, तो फिर मैंने वो नोट्स बनाने छोड़ दिए। और फिर मैंने देखा कि अड्डा 24/7 पर ही एक मंथली कंपाइलेशन भी आता है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, उसमें टॉपिक वाइज दिए रहते हैं सब, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। बट वहाँ भी मुझे उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि वो चीज़ें मैं पढ़ रही थी बट वो चीज़ें मुझे ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रह रही थी। उसके अलावा फिर मैंने ग्रेडअप के एक मंथली कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर का, आपको हर मंथ का मिलता है, मैगजीन जैसा आता है, उसको भी मैंने ट्राई किया। वो भी थ्योरेटिकल फॉर्म में था, उसमें भी टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दी हुई थी, तो उससे भी मैंने पढ़ा है, वो भी अच्छा रहता है। सारे ही सोर्सेस अच्छे हैं, लेकिन अभी तक जो मुझे बेस्ट लगा है, अगर आपको वो जानना है तो आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। उसके अलावा ऑलिव बोर्ड के करंट अफेयर आते हैं, आप चाहो तो उसका भी मंथली कंपाइलेशन आपको उसके ऐप पे मिल जाता है नोट्स में जाके, लेकिन वो भी उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। वो बहुत डीप करेंट अफेयर रहता है ऑलिव बोर्ड का, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए वो बहुत अच्छा है क्योंकि बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा करेंट अफेयर्स डीप पूछे जाते हैं। उसके बाद जो फाइनली मैंने अभी अपने तैयारी के टाइम पे सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मुझे लगा, जो मैंने 2020 में भी फॉलो किया है और अभी आने वाले 2021 के CGL के लिए भी मैं इसी से पढ़ रही हूँ, तो वो है स्टडी IQ का करेंट अफेयर। स्टडी IQ का जो उसमें भी बहुत सारे तरीके के आते हैं करेंट अफेयर, तो मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो है डॉक्टर गौरव गर्ग हैं, उनका करेंट अफेयर आता है जिसमें 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की 4 PDFs आती हैं, तो मैं वो वाले करेंट अफेयर पढ़ती हूँ क्योंकि 4 PDFs रहती हैं तो मैं उनको आराम से कर लेती हूँ। और कुछ 300 क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे, मैं उनको पढ़ती हूँ, उनको रिवाइज करती जाती हूँ। इसको पढ़ने का भी एक तरीका मैंने बनाया है कि मैं डेली का 2 शीट्स पढ़ती हूँ उनके हर मंथ का। जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 2 दिन में दिसंबर का करेंट अफेयर ख़त्म करना है, तो एक दिन मैं उसकी 2 शीट्स पढ़ूंगी और दूसरे दिन दो जो बची हुई दूसरी शीट्स हैं उनको पढ़ती हूँ। तो ऐसे करके 2 दिन में मेरा करेंट अफेयर काफ़ी अच्छा तैयार हो जाता है और उनके करेंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा जो मैं एक और सोर्स फॉलो कर रही हूँ अभी, वो है करियर विल के 100 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, वो भी बहुत अच्छी PDF रहती है, उसको भी पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये दोनों सोर्सेस मुझे इसलिए पसंद आए क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं वो मुझे एग्ज़ाम में मिले हैं, तो ये दोनों मुझे बेस्ट ऐप लगे हैं अभी तक के, स्टडी IQ और करियर विल। अगर आप चाहो तो आप भी इनसे ही पढ़ो, मैं आपको ये दोनों चीज़ें ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। और इनकी PDF मेरे पास इसका कोई पेड कोर्स नहीं है, तो मैं टेलीग्राम से ही ढूंढ के निकाल लेती हूँ। आपको भी आराम से, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आपको मिल जाएंगी ये PDF। अभी जैसे कि आने वाले CGL के लिए हमको लास्ट 6 से 8 मंथ का करेंट अफेयर चाहिए है, तो ये सारी PDF आपको आराम से टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो ये वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि जो फ्री सोर्सेस अवेलेबल हैं उनसे आप कैसे पढ़ें। और उसके अलावा ये तो हो गया कि कुछ 500 करेंट अफेयर हमने ऐसे पढ़ लिए, उसके बाद जब हम एंड में पहुँच जाएंगे मार्च एंड में, तब हमें क्या करना है करेंट अफेयर के लिए कि हमें एक कंपाइलेशन होता है, वरुण अवस्थी सर हैं वो भी डालते हैं या कोई भी यूट्यूब पे टीचर डालता है लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर का कंपाइलेशन, तो एक वीडियो आती रहती है, आप चाहें तो वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। और आप जब वो वीडियोस देखेंगे और आप ये सारे करेंट अफेयर ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ना, तो आपको अपने आप में समझ आएगा कि आपने
खुद ने काफी सारी चीजें देखी हुई हैं जो आपने याद हो चुकी हैं, और इनको हमें सिर्फ रीड करना है और बार बार रिवाइज करना है। 6 महीने का हमें करेंट अफेयर पढ़ना है, तो वो हमारा, आप मानिए अगर हम 2 शीट्स को करते हैं एक दिन में, तो हमारे 12 दिन कुछ लगेंगे और हमारे पूरे करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें इन्हीं को रिवाइज करना है, जो अगले मंथ का आएगा उसको एड ऑन करते जाना है। बस यही चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी चीज़ों की, एग्ज़ाम्स की। और अगर आपने, आपको कोई और डाउट है करेंट अफेयर को लेके, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं बता दूंगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ, मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगी वहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।